हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ट्रायंगल चिप्स। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी चावल का आटा ले लिया है। अब कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में एक कटोरी पानी ही डाल दिया है। जितना हमें चावल का आटा लेना है उतना ही हम पानी लेंगे और पानी में मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक और डालेंगे काली मिर्च पाउडर और डालेंगे थोड़ा सूखा धनिया पाउडर। अब इसको उबाला आने देंगे और उबाला आने तक हमें इसे अच्छे से चलाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर अच्छे से उबाला आ जाएगा फिर हमें क्या करना है कि धीरे धीरे हमें इसमें चावल का आटा डालना है। बस इस तरीके से मिलाते हुए डालेंगे और ये एकदम पानी को सोख लेगा। और देखिए एकदम से सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, एक डो की तरह तैयार हो रहा है। अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल। बस सरसों का तेल नहीं डालना वरना उसकी स्मेल आएगी। अब इसे हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में और इसको बिल्कुल आटे की तरह डो बनाएंगे। ऐसे मलते हुए हमें इसे चिकना कर लेना है। देखिए डो की तरह तैयार है। अब इसकी हम लोई बनाएंगे और सूखे आटे में लपेटेंगे और इसको रोटी की तरह बेलेंगे। ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। इस तरीके से बेलेंगे। अब बेल गया है हमारा। देखिए अब थोड़ा सा हमने इस पर सूखा आटा स्प्रिंकल कर दिया है। अगर बेलने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर सूखा आटा डाल के बेल सकते हैं। अब देखिए बहुत पतला नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है। अब इसको कट कर लेंगे। इस चक्कू से अच्छे से कटिंग हो रहा है। वैसे बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत इजी तरीके से हो जाता है ये। जिस भी शेप में आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं ट्रायंगल की शेप में देना चाह रही हूँ इसको, वो अच्छे लगते हैं देखने में। ये देखिए अब मैंने पिज़्ज़ा कटर से काटा है तो बहुत इजी और स्मूथली कट गया। अब इस तरीके से हमें ट्विस्ट करते हुए ये ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है। बहुत इजी तरीके से ये कट हो जाते हैं। आप सभी को इस तरीके से काट लेंगे हम। और इसमें क्या करेंगे हम, कोई भी अपने पिन या सुई या टूथ पिक से हम इसको छेद कर लेंगे इसमें, ताकि हमें तलते हुए ये फूले नहीं। आप सभी का हमें कट कर लेना है। सभी कट हो चुके हैं। बस इस तरीके से अब हमने कढ़ाई में रख दिया है, ऑयल डाल दिया था पहले ही। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, अब हमने देख लिया है एक डाल करके कि कढ़ाई का तेल अच्छे से गरम है। अब सभी डाल देंगे और धीरे धीरे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स एकदम बहुत क्रंची टेस्टी बनते हैं ये। और आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो उसमें नमक मिर्च मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के हिसाब से इसमें डालने बनाए हैं तो ज़्यादा मिर्च मसाले मैंने इसमें नहीं डाले हैं। अब बस इसको पलटेंगे। देखिए लाइट ब्राउन हो गए और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो गए हैं। अब इसको हम अलग बाउल में निकाल लेंगे और चाट मसाला डालेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स एकदम तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं। ये एकदम बहुत क्रिस्पी बने हैं। देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ। थैंक यू।